अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमें लखनऊ में आप देख सकते हैं और लखनऊ चार बाग स्टेशन पे हैं। हम आपको अभी इसमें चार बाग स्टेशन नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, एक ऐसी करामात जो सोच के आप दंग रह जाएंगे, एक ऐसे हस्ती जिनसे अंग्रेज भी हार गई, अंग्रेज सरकार हार गई। और हम आपको दिखा बताने जा रहे हैं खम्बन पीर बाबा के दरगाह के बारे में, जो चारबाग रेलवे स्टेशन के बीच दो पटरियों के बीच में दरगाह है। तो आप कैसे जाएंगे, आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ से जाते हैं, ये स्टेशन है, एक नंबर स्टेशन इधर है, ये लास्ट में है 8 और 9। इसके 9 और 8 के लास्ट में एक ऐसी हस्ती के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो लखनऊ की शान है, बाबा खम्बन पीर। और आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन आपको हम इनकी बाबा खम्बन पीर के मज़ार की जियारत कराने जा रहे हैं। और शुक्र है अल्लाह का कि हम भी आज इधर आए हुए थे और हम आपको ये खम्बन पीर बाबा के मज़ार की जियारत करवा दे रहे हैं और हम भी इसकी जियारत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 8 और 9 है और उधर पूरा ट्रेन की पटरियां हैं। इधर भी पटरी है, ट्रेन वगैरह खड़ी है और देखिए लोग ज़ियारत करके लौटे हुए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपको इसकी एक झलक दिखा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दरगाह आप देख सकते हैं, ये पटरी है और उधर भी पटरी है। अब ये एक पटरी इधर है, उसके बीच में दरगाह है और दरगाह के उस तरफ भी पटरी है। तो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लगता है ये। और ये चांदनी रात में देखो चांद दिखाई दे रहा है, खूबसूरत लग रहा है कितना। नूर चमक रहा है इधर इस दरगाह में। तो हम आपको अंदर दरगाह पे जाने वाले हैं। ये भाई साहब लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। तो हम भी ये बाबा खम्बन पीर के बारे में सुना था तो आज हम प्रतापगढ़ से यहाँ पे आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। जी जी। तो इनके बारे में कुछ आपको मालूम है तो बताएं। सर हम भी मुरादाबाद से आए हुए हैं, आज पहली बार मुरादाबाद से पहली बार आए हैं हम यहाँ पर। जी जी जी। तो ये सुना है दादे मियाँ की ज़ियारत है। जी जी जी। यहाँ जो मांगते हैं तो अल्लाह ताला पूरा करता है। अच्छा अच्छा। इनका करम ऐसा है। जी 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 जी। जो भी आता खाली हाथ नहीं जाता है। बेशक बेशक। ये करम जो मेरे दादा मियाँ का बहुत करम है। जी जी। दरगाह ऐसी है, ट्रेनों पर फाड़ के ये दरगाह बनी हुई है। अच्छा अच्छा। तो देखिए आप साइड देखिए, बैक साइड देखिए, साइड देखिए, उधर भी ये सब बचे हैं। जी जी। लुक इन एंड दिस वन ओनली ज़ियारत, वेरी बेस्ट ज़ियारत। बिल्कुल बिल्कुल।
लोग सोचो कुछ भी रहता है तो मजा रहता है हटा देते, लेकिन ये सुना है मैंने कि अंग्रेज लोग कई बार हटाने की कोशिश किए और नहीं हटा पाए। इनकी हस्ती ऐसी है, हस्ती है, कौन हटा सकता है, कौन हटा सकता है। तो हम अंदर जाके थोड़ा सा देखते हैं, से कर लेते हैं। शुक्रिया भाई। अच्छा भाई, सर कहाँ से आया? लोग इसको हार गए। अच्छा अच्छा, ये बैठे हुए हैं बता रहे हैं अंग्रेज लोग ये हार गए। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ यही रहते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अंग्रेज लोग बिछाते थे। हाँ अच्छा अच्छा, पटरी पलट जाती थी, पटरी पलट जाती थी, यहाँ पर पटरी बंद नहीं थी दादा मियां ने। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी जगह उनको छोड़ना पड़ा। अच्छा, ये जगह मजबूरन उनको अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। तो हम अंदर आ रहे हैं अभी, चप्पल ये हम ये भाई साहब का इधर दुकान भी है, ये यहाँ पे वजू खाना है। आज जुमे का दिन है तो सब लोग जियारत के लिए आए हुए हैं, सब लोग वजू कर रहे हैं। ये कुर्स मुबारक, ये आप नाम देख सकते हैं, हजरत सैयद कयूम दीन। ये देखिए माशाल्लाह, क्या कितना खूबसूरत लगता है, जैसे नूर चमक रहा है। अभी अंदर की ज़ियारत हम आपको करवाने वाले हुए हैं, सब यहाँ पे मुरादें मांग रहे हैं। ये है खम्बन पीर बाबा, ये यहाँ पे चद्दर रखी हुई है, आप चद्दर चढ़ा सकते हैं। सब बाबा से मुराद के लिए आए हुए हैं। ये दादा बाबा से लोग अर्जी लिख के जाते हैं, जो भी ऐसी मानता है कि यहाँ पे जो भी अपनी आप अर्जी लिख के जाते हैं और बाबा पूरा करते हैं। तो आप आइए, आपकी दिल की जो भी मुराद हो यहाँ पे लिख के जाइए और आपकी मुरादें पूरा होगी। देखिए यहाँ पे परिचित लोग, माशाल्लाह ये ज़ियारत कर आप कर सकते हैं। बाबा चादर चढ़ा रहे हैं, कितना नूर है। ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ है, नहीं तो यहाँ पे नमाज होती है। 7:52 हुए हैं, ईसा की नमाज का टाइम हुआ है। माशाल्लाह मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। हम आपको ये पीछे की तरफ का भी नज़र दिखा सकते हैं। सब लोग अपनी मुरादों के लिए आए हुए हैं, ये बाबा सबके लिए हैं, हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब लोग आते हैं इधर। यहाँ मन्नत की अगरबत्ती सुलगाई जाती है कि आप मन्नत मांग के अगरबत्ती सुलगाएंगे तो आपकी दिल में जो भी मुराद रहेगी अल्लाह ताला उसको पूरा करेंगे।
ये पीछे का नज़ारा है और यहाँ पे डेग वगैरह चढ़ा हुआ है। तारी नियाज बन रही है, नियाज जो है सब लोग खा के जाएंगे। अभी नहीं बनी, अभी बन गई है, बनी है, बनेगी, बन गई है। अच्छा बन रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, नियाज वगैरह बन रही है। ये देखिए यहाँ पे तहरी बन रही है और भाई साहब मुझे बोले कि तहरी खा के जाना और माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह इसमें इतना बरकत देगा कि जितने लोग हैं सब खा लेंगे, कम नहीं पड़ेगा। शुक्रिया बहन आप बना रहे हैं, अल्लाह आपकी मनोकामना पूरी करे। जो भी ये बहन बना रही है, अभी चलते हैं, नमाज का टाइम हुआ है, नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, अब हम जो है अजान होने वाली है, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। ये देखिए जस्ट मज़ार के बगल में ही है। अच्छा ये भाई साहब बनारस में भी है। अच्छा ये भाई साहब बनारस से आए हुए हैं और बाबा की सेवा कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो बाबा इनकी मुरादें पूरी करे और बाबा से काफ़ी आस लगाए हैं और ये इत्मीनान भी है हमारा कि हमारा काम बनेगा। लेकिन बाबा ने हमको ऐसा परचम में डाला है, परीक्षा में डाला है कि हम का इम्तिहान ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। जी जी जी, आप बहुत नेक इंसान हैं, इसके लिए नेकी इस जमाने में अगर चली तो हम अपने घर संसार हम अपने सपनों को भूल जाएंगे, इसलिए हम जो है बस बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। बाबा की सेवा में जो बाबा की दर से झुक गया वो कहीं नहीं झुकेगा, वो कहीं नहीं झुकेगा, उसका सर जो है हमेशा बुलंद रहेगा, बुलंद रहेगा बाबा की शरण। ठीक है ठीक है, जो है बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें और हमारी भी दुआ है आपके साथ, और हम भी नमाज पढ़ेंगे, दस्तखत करेंगे कि जो है आपकी जो मनोकामना है अल्लाह पूरा करें। और आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं करीबन काफ़ी पुराना लेबर था रेलवे में, तो उन दिनों काफ़ी अच्छा काम वाम भी चलता था, तो बीच में जो है अच्छा अच्छा बंद कर दिया। चलिए ठीक है, हम अभी रुकेंगे, नमाज वमाज पढ़ेंगे और ठीक है, अब जो है हम वीडियो को बंद करते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। आप जो है आइए यहाँ पे, ज़रूर आइए और बाबा खम्भम पीर की दुआओं में आइए, अल्लाह आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। अस्सलाम वालेकुम।